गुमसुम है क्यों तू जरा मुस्कुरा, गुमसुम है क्यों तू जरा मुस्कुरा, जरा मुस्कुरा तू जरा मुस्कुरा। पंडन मारु जंड पदली सी पिछ खड़े नगदे दबा नीले पाइया जी पैरी पे, एक पकावा दो पकावा तीन पकावा मंडे, अति राति रेलु आउना खड़कन लगे डंडे, जम 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 बूरा जादू तू सीख ले पूरा, जम 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 बूरा जादू तू सीख ले पूरा। बनी थी ना, हाँ हाँ, तो छोटा भीम के साथ मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है। 10-15 साल पहले भी जब कार्टून फिल्म बनी थी तभी मैंने गाने गाए थे, उसमें एक गाना था जंबूरा, लेकिन वो पता नहीं क्या था। अब का जो जंबूरा मैंने सुना है ये तो उसका तंबूरा बजा दे, इतना अच्छा बना है। सुपर सुखी जी, कमाल 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 कमाल। राघव इज अ वेरी क्यूटेस्ट बॉय, इट्स रियली वेरी नाइस। तो इसका एक पेट अल्फाज है जो जिससे ये मुझे हमेशा बुलाता है, सुखी जी। जब भी बोल सुखी जी गाना करेंगे, सुखी जी। अच्छा फिर मेरा भी जवाब करो महाराज करो, एग्जैक्टली। सो एक दिल लगी होती है एक, क्योंकि अभी आज ही किसी न्यूज़पेपर में बड़ी अच्छी बात जो आई है, जो बात मेरे कहने से अच्छी नहीं है, वो पहले भी अच्छी थी। मैं एक जरिया बन गया कि एक कंटेस्टेंट बन के भी गा सकते, मलंग होना पड़ता बस, है ना। तो वो मैं जब गया तो मैंने फिल्म जो सॉन्ग है इसकी पिक्चराइजेशन देखी, मैंने कहा फटाफट से माइक लगा। उसके बाद मैं गाना सीखता रहा, समझता रहा शब्दों को, उनका उच्चारण भी, तो मज़ा ही आया, बहुत मज़ा आया। एंड आई रियली मस्ट से थैंक राघव ने मुझे कंसीडर किया टू सिंग दिस फैबुलस ऑनर। और बच्चों की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा गुड लक है कि मुझे बहुत अच्छा लग गया। मैं फिल्म भी देखने जा रहा हूँ, ना कि प्रीमियर, मैं ऑडियंस के साथ भी देखूंगा। और वो मुझे, मैं रियली वेरी मच एक्साइटेड। छोटे छोटे किड्स, छोटे छोटे किस तरह से नेचुरल, जैसे शान ने कहा कि नेचुरल फॉर्म में वो एक्ट कर रहे हैं, कुछ भी बनावटी नहीं है। मुझे बहुत बेहद पसंद है, मैं आज भी कॉमिक्स पढ़ता हूँ मुझे लाइट हार्टेड रहना बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये फिल्म देखूंगा, जरूर देखूंगा, मैं नहीं पूरी दुनिया देखेगी। और अनुपम जी, मैं दो म्यूजिक डायरेक्टर मिले इस गाने में, राघव और एक अनुपम जी। पूछ लो आप, अनुपम जी का एक्सप्रेशन देखता था गाता था, एक्सप्रेशन देखता था पिक्चराइजेशन में गाता था। तो मैंने इनको कहा, मैं क्या, दो दो म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे घेर रखा है। सो ही एनहांस that fragrance of the song also. मैं जब अनुपम जी को देखता हूँ ये तो बड़े ही excellent, ना कि बहुत अच्छे बेहतरीन एक्टर ही, पर बड़े मनमौजी हैं, बहुत लाइट हार्टेड एंड वेरी मच सिंसियर अबाउट हिज कंटेंट इन एवरी फिल्म। और राघव थोड़ी मेरी तरी तो रुकते नहीं करती, मैंने करनी क्यों नहीं करनी। सुखी जी द बिगेस्ट किड इन दिस एंटायर रूम है सुखी जी, बाय द वे 100%। मतलब कि इनसे ज्यादा एनर्जेटिक बंदा अभी स्टूडियो आ जाते हैं ना तो हम लोग सब लव यर ऑन आर टोज, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट ऑर्डर इज गोइंग टू कम फ्रॉम वेयर। यहाँ माइक लगाओ, वहां पे मेरे को डिले चाहिए, यहाँ से ये हटा दो, यहाँ से सब कुछ कर दो। एंड देन द रिजल्ट्स व्हेन वी रिकॉर्डेड, आई वाज आफ्टर हिम, आई वाज लाइक सुखी जी मैं आपके पीछे पड़ने वाला हूँ, सो प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं आपको बहुत फोन करूंगा, आपने ये गाना करना है, आपकी आवाज में ये गाना मतलब चार चांद लग जाएंगे गाने में। एंड ही वाज वेरी 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 स्वीट, ही सेड ठीक है 100% करेंगे गाना। फिर हम लोगों का जब फाइनली जिस दिन स्टूडियो आए उस दिन उन्होंने देखा अनुपम साहब को परफॉर्म करते हुए, बिकॉज वी हैड द वीडियो
एंड एज ही वॉज लुकिंग एट हिम ही वॉज एक्सप्रेसिंग एंड ही एडेड सो मच मोर टू द सॉन्ग जो पहले नहीं था गाने में. वो आपका स्टार्टिंग वाला जो है पूरा का पूरा पंजाबी जो वाइब दी है उन्होंने, मतलब बैठे बैठे मरला वाह भाई. और हमेशा होता है सुखी जी के साथ, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं आपने जो गाना बनाया था वो गाना वैसा नहीं रहने वाला, वो गाना कंप्लीटली चेंज हो जाएगा फॉर द बेटर. एंड इट्स ऑलवेज द केस एंड वी हैड अ ब्लास्ट डूइंग दिस. एंड इमीडिएटली एज़ सून एज़ ही वाज़ डन ही कॉल्ड अनुपम सर. ही वाज़ सिटिंग आउटसाइड, ही कॉल्ड अनुपम सर एंड ही सेड क्या बना दिया, मजा आ गया. एंड यू नो दैट इज द एनर्जी दैट वी आर लुकिंग फॉर एंड दैट गिव्स मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस एंड व्हाट अ प्लेजर टू have such amazing talent, such dear friends and amazing talent in the film. Thank you so much, Sukhi ji. मतलब इनकी एनर्जी से मैच करना बहुत मुश्किल था. पहले दिन तो मुझे लगा थक गया इनका, बिकॉज इनके सवाल, इनकी कोशिश, इनकी सादगी और इनकी स्पॉन्टेनिटी, उसको मैच करना बड़ा मुश्किल है. बट दे आर सच वंडरफुल चिल्ड्रन. इसके तो अभी बाल हैं, पहले तो मेरा और इसका हेयर स्टाइल सेम था, अब इसके बाल आ गए. सबने बहुत अच्छा, इट्स वंडरफुल. एक बहुत फेमस ने कहा है हॉलीवुड के, व्हेन चिल्ड्रन आर इन द फ्रेम डोंट एक्ट बिकॉज नोबडी इज लुकिंग एट यू एंड दैट्स अ ऑनेस्टी बिकॉज यू कांट मैच द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द चिल्ड्रन. बट दिस वॉज अ क्रैश कोर्स फॉर मी, दिस वॉज अ कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इन द चाइल्ड इन यू बिकॉज वो जिंदा रखता है और वो यंग भी रखता है. तो मुझे सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मुझे प्यार दिया इन लोगों ने और हमने काफ़ी सारे मस्तियां भी की. मैंने इनके लिए कुछ खाना वाना भी मंगवाया था एक दो बार, डोनट्स, डोनट्स, फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, डोनट्स, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज सब मंगाए थे और इनको सब कुछ याद रहता है, सब कुछ याद रहता है इनको. शान को नया गाना गाया तो याद नहीं होते वर्डिंग्स तो मगर इन्होंने सब आपको वर्डिंग बता दिए, मेरे डायलॉग बता सकते हैं. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. थैंक्स टू राजीव एंड मेघा एंड थैंक्स टू प्रोड्यूसर्स. आई हैड अ ग्रेट टाइम. वी वर शूटिंग इन रेगिस्तान में, हम उधर जोधपुर में शूटिंग कर रहे थे. इट वॉज वेरी हॉट बट जो रिजल्ट है आई थिंक इट्स सो वंडरफुल, इट्स सो कलरफुल. मैंने आज कलरफुल कपड़े इसीलिए पहने कि वरना मुझे ब्लैक, ग्रे, वाइट पहनने को मिलता है, तो मुझे लगा कि आज मैं इस एनर्जी को मैच करूंगा. एंड मैंने जिंदगी में कभी रेड पैंट नहीं पहनी है. अनुपम सर, अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड इट मीन्स अ लॉट टू अस. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड मेकिंग दिस फिल्म हमारे लिए एक चैलेंज थी. वो चैलेंज फर्स्ट थिंग वॉज हाउ no one has made recently kids film and how do we make this kids film not just at a level of Bollywood but also level of international. So the our goal was not thinking about today but planning for that tomorrow. We need to make a film that will not only be story wise good but visually also it has to be stunning. So this was the first mission for the movie, which means we had to get high caliber actors. Absolutely. And of course from Anupam sir to Makarand Deshpande ji, yeah, to Navneet Kaur, Sanjay ji. Sanjay ji, can please we forgot to call you, he's played Raja, please come onto the stage. He's played Raja Indra Varma, the king of Dolokpur, and he's done a fabulous job. So we had to make sure कि हमारे पास अच्छा एक्टर्स हो. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग. एंड देन ऑब्वियसली जितना विजुअल्स अच्छे उतना म्यूजिक चाहिए था. सो वी वर एबल टू गेट राघव जी. लाइक ऑफकोर्स वेन आई मेट हिम फर्स्ट टाइम आई वॉज वेरी कन्फ्यूज, इतना सारा टैलेंट एक आदमी में कुछ तो लफड़ा है. सो आई टुक माई ओन टाइम. सो स्टार्टेड विद वन सॉन्ग, देन इट बिकेम टू सॉन्ग्स, फोर सॉन्ग, देन द बैकग्राउंड स्कोर द एंटायर फिल्म इज हैंडलिंग. So and is also the most important is the voice of Damyan. He is outstanding voice. मेरा पहला रोल, जिंदगी का पहला रोल, हनुमान अपना रामलीला में हनुमान की सेना में बंदर का था. I was in fifth standard और उसके बाद आज पहली बार मैंने ये गदा अपने कंधे पर लगाई. Literally अपना childhood जी रहे हम लोग. मैं आज बड़ा भीम हूँ. आज सर भीम बन गए.
अरे वाह, बस ऐसे मेरे जीना आराम करते थे, मेरे को बोलने नहीं देते थे। बोल रहा हूँ, इतनी देर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे हाथ से माइक छीन लिया तुमने। राइट, सो मेघा मैम, क्विकली, यू नो वी कम टू यू, प्रोड्यूसर के तौर पे नहीं बल्कि एज अ सिने लवर, व्हाट डू यू हैव टू से इफ यू हैव टू, यू नो, सम अप दिस एंटायर थिंग जो हमने यहाँ करा भी। Like you can see, we all are very excited, very, very excited for the movie. A big thanks, and we're really honored to be on stage with Anupam sir, Sukhvinder Paji, Shan sir, everybody. I mean, it's been a great experience working with such big actors, itne diggaj kalakar, and ye chote chote jo bache hain, like they are like super chota packet bada dhamaka, like I always say. They know what to say, when to say, super energy. You all have seen how we are promoting the movie, going to cities. All the kids, sirf kehne ki baat nahi hai, jab aap unke beech mein jao, to dekhne ko milta hai ki wo sare bache sach mein Bheem ko kitna pyar karte hain. Everybody has a different story to that connects with Bheem, Chutki, Kalia. You know, each an individual has a different connection. So we are so, so happy that we have made this movie and we are really looking forward that audience humko utna hi pyar degi jitna aaj tak Chhota Bheem cartoon ko milta aaya hai aur bahut dil se banayi hui cheez hai ummeed kar rahe hain ki dilon tak pahunchegi aur un pe raj karegi. I am sure wo bahut popular show tha usme maine ek chote se 3 saal ke bacche se pucha tha ya 2 saal ka tha maine kaha can you count to usne kaha yes 1 2 3 4 5 फिर मैंने कहा कैन यू गो हायर कहती यस उसने कुर्सी खींची उस पर चढ़ी कहती है 1 2 3 4 5 नो आई थिंक इट्स बहुत कुछ इनसे मिला और ये आज के युग के बच्चे हैं आप इनसे वैसे नहीं मैंने बहुत सारी फिल्मों में बच्चों के साथ काम किया तो ये वैसे बच्चे नहीं हैं जो बोलते हैं अंकेल अंकेल मैंने वायदा नहीं है दे आर वेरी स्ट्रेट दे आर वेरी मॉडर्न चिल्ड्रन दे आर वेरी अवेयर ऑफ this thing they are aware of their mobile phones they can, you can learn actually you can sit down and learn from them so many things I mean I'm also interested in it I don't go on a set as a person who knows what he is doing I go as a on the set as a person who is seeking something from everybody aur in dono mein se kaun sa tha jo zyada shararti hai ye main to thoda confused and और ये मुझे लगता है पैदा ही हुआ था भीम का रोल करने के लिए छोटा भीम का रोल करने ही इज वेरी मैच्योर वेरी वेरी काम वेरी नाइस शी इज वेरी नॉटी एंड ये तो जो है चुप नहीं रहता ये इसको चुप रहना नहीं आता अभी भी देखो तो बोलता ही जा रहा है इसको चुप रहना नहीं आता सो देयर वाज सो मच स्पॉन्टेनिटी एंड एज राजीव सेड इट्स एक्चुअली एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फिल्म द स्पेशल इफेक्ट्स द VFX आर सो सो good so we will request the audiences to watch this film with the children maa baap ko ek sath film mein dekhne ka mauka nahi milta because ya to bachchon ke liye film hoti hai ya fir maa baap ke liye hoti hai ya fir vyaskon ke liye hoti hai but I think this is their children if they want to make their children if parents want to make their children happy they better watch this film with them main bahut bura dance karta hu maine isliye aapne mujhe zyada dance karte dekha nahi hai magar abhi jaldi आप देखेंगे मैंने कल राघव के साथ कुछ किया है उसके स्टूडियो में जो इन्होंने सरप्राइज रखा थैंक गॉड मैं दिखाने वाला था इनको सर ने बहुत अच्छा डांस किया है झूठ बोल रहे सर क्या अच्छा डांस करता हूँ चलिए अच्छा डांस करता हूँ इनका सर्टिफिकेट मिल गया नो आई थिंक आई डांस विद द इमोशन बट आई एम नॉट आई विश आई वॉज अ ग्रेट डांसर ऑल्सो बट आई डांस विद द इमोशन मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सुखी जी आपने मुझे फ़ोन किया इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और पर गाने से पहले या गाने के दौरान इनका फ़ोन आया इन्होंने कहा कि मैंने आपकी एक्टिंग देख के गाना गाया है तो बड़ा बड़ा रेयर होता है मैंने सिंगर लाइक यू अमेजिंग सिंगर लाइक यू कॉल्स एंड टेल यू सो आई थिंक इमोशन क्लियर हो जाए इमोशन कन्वे हो जाए तो डांस ही उसका होता है मैं एक्टिंग का डांस करता हूँ डे बिफोर यस्टरडे मैंने 40 साल पूरे किए बट तो ऐसा लगता है पलक झपकते गुजर के असली काम तो अब शुरू किया है इतने साल तो मेहनत कर रहा था अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ काम का ये साल जो है वो दीज आर जस्ट नंबर्स आई फील दैट फॉर ए पर्सन और बेस्ट चीज़ है कि हमारी एक्टिंग का कोई सिलेबस नहीं होता है आप 90 साल की उम्र में भी अच्छी काम कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है वो काम करे बट थैंक यू टू छोटा भीम टीम फॉर सेलिब्रेटिंग 40 ईयर्स ऑफ माई अब मैं इसको प्रिटेंड कर सकता हूँ कि इन्होंने मेरे लिए ही रखा है
So I'm happy to be spending this 40 years of celebration with this team. Anupam ji, ek second. Anupam ji ne apna 40th year mere saath celebrate kiya hai. And I'm the happiest because we met yesterday for the first time. I've of course been a huge fan. Yesterday was 25th. I've been a huge fan. Bachpan se hum logon ne picture dekhte dekhte sabhi log bade hue hain. I'm sure everybody here is exactly of the same sentiment. Mere bachpan se. Aapke aap apne bachpan se lage hue hain. And we guys have been there. And yesterday I had the good fortune of having him at the studio. You know, ek cheez hoti hai, aap kisi ko parde pe dekh rahe hain, aap kuch seekh rahe hain, lekin unki presence. 1.5 hours हमने टाइम स्पेंड किया, उसके अंदर उन्होंने गाना भी गाया, उन्होंने मेरे साथ शूट भी किया, उन्होंने गिटार भी पहनी, उन्होंने ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि मैं उनको पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं सालों से जानता हूँ. एंड दैट इज़ वॉट इज़ ब्रिलियंट अबाउट अ पर्सन लाइक अनुपम सर, दैट आप पहली बार किसी को मिल रहे हैं और उस आदमी को ऐसा लगे कि आप सालों से उनको जानते हैं. अब मेरी तो बहुत गहरी दोस्ती हो गई और आपको बहुत बहुत फंकी चीज़ देखने वाले हैं हमारी तरफ से. आई थिंक दिस सेलिब्रेशन और दिस इवेंट इज फॉर छोटा भीम. Let's concentrate on Chota Bhim and ask questions only about Chota Bhim. मैं तो हूँ ही और अगले 40 साल तक मुझे झेलना है आप लोगों को. हमारे ट्रस्ट के ही बच्चे हैं और हर टाइम पर हम ऐसे प्रोग्राम्स में उनको शामिल करते हैं, स्पेशली कैंसर पेशेंट बच्चों को भी लाते हैं. तो आज ही हमने कहा हर्ष को कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से बात करके फर्स्ट शो हम करेंगे 31st को. थैंक यू. और कोशिश करेंगे कि जुहू पर ही करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पिक्चर दिखाएं. थैंक यू सो मच. म्यूजिक को एज अ प्रमोशन फॉर द फिल्म, उस बहाने भी म्यूजिक लॉन्च का एक बहुत महत्व हो जाता है. तो कहीं ना कहीं वो बात तो जाहिर सी है कि म्यूजिक लॉन्च पर फिल्म के बारे में भी कुछ बातें हों, फिल्म के बारे में भी प्रमोशन हो. आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन. जैसे यहाँ हम बार बार यही कहेंगे कि 31 मई को हम सिंगर्स भी वही कहेंगे आप ज़रूर जाके फिल्म देखें. हम सब एक ही परिवार है, एक ही यूनिट है. वी आर ऑल देयर फॉर ईच अदर. तो ऐसी कोई बात नहीं कि म्यूज़िक में सिर्फ म्यूजिशियंस की ही बात हो या म्यूज़िक की ही बात हो, क्योंकि इट्स अ प्रमोशन फॉर द फिल्म. तो और म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है कि फिल्म आती है चले जाती है, लेकिन गानों के जरिए फिल्म की लाइफ और चलते रहती है. तो हम तो रहेंगे ही, कोई टेंशन नहीं है उसमें. मासूमियत कभी चेंज नहीं होती है. ये बच्चों की मासूमियत ही है. आई थिंक मैं तो बहुत साल तक मैं ऑल्सो आई केम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड वेंट टू ए हिंदी मीडियम स्कूल. आई थिंक आज के बच्चों का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है. मेरा हमारा अवेयरनेस उतना नहीं होता था. हम छोटे से इलाके में रहते थे. बट आई थिंक दैट्स व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ माइन ऑल्सो. हमारी मेरी मासूमियत और मेरी सेंस ऑफ अमेजमेंट जो है वो मेरी ताकत है. आई होप कि आज के बच्चे भी जो हैं बिकॉज दे आर सो कॉन्फिडेंट, बिकॉज दे आर उनको सब कुछ नॉलेज मिली हुई है या सब कुछ उनको इंफॉर्मेशन है. बट इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदलने के लिए ज़िंदगी जीनी पड़ती है और उसके लिए सेंस ऑफ वंडर रखना बहुत ज़रूरी है. इनका ख़तरा ये है कि इनका सेंस ऑफ वंडर जल्दी जा सकता है, बिकॉज सब कुछ गूगल पे है ना, ये कर दो, ओवर स्मार्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो मेरी इनसे दरख्वास्त है कि इनके पेरेंट्स से खासकर दरख्वास्त है कि इनका बचपना बरकरार रखें. और ख़ासकर क्योंकि ये फिल्मों में काम कर रहे हैं तो लाइट जल्दी मिल जाती है, फोकस जल्दी मिल जाता है. बट आई थिंक आई एम वेरी प्रिविलेज टू बॉर्न इन ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली इन ए स्मॉल टाउन विद अ सेंस ऑफ वंडर, बिकॉज आई स्टिल हैव सेंस ऑफ वंडर.